की इसने, मांगो। हनुमान जी ने सोचा कि अब मौका है मांगने का। हनुमान जी ने कहा बस एक काम करो भूदेवो। क्या? बोले आप पूर्णाहुति में ये मंत्र बोलोगे ना, जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थहारिणी, जय सर्वगते देवी, काल रात्रि नमोस्तुते, ये मंत्र बोलोगे ना। ब्राह्मणों को लगा कि इसको ये भी पता चल गया कि हम कौन सा मंत्र बोलकर पूरा करने वाले हैं। हाँ तो बोलो इसमें क्या करें। हनुमान जी ने कहा एक अक्षर बदल दो बस इस मंत्र में। अरे तुम कहो तो पूरा मंत्र बदल देगा। नहीं नहीं, हनुमान जी ने कहा एक अक्षर, कौन सा? बोले जय भूतार्थ हारिणी बोलोगे ना, उसके बदले कारिणी बोलो। तो हारिणी मतलब पीड़ा हरने वाली, रावण की, रावण के लिए यज्ञ हो रहा था, पीड़ा हरने वाली, पर कारिणी का हो गया पीड़ा करने वाली, दे रावण को पीड़ा। जय भूतार्थ कारिणी। ब्राह्मणों ने कहा जो आदेश, और हनुमान जी के कहे अनुसार जय भूतार्थ कारिणी आहुतियां डाली, रावण की पीड़ा बढ़ गई। राम जी सीता जी को कहते हैं ऐसे हनुमान जी ने हमको कदम कदम पे मदद की, वो अगर नहीं होते तो हम युद्ध जीत नहीं सकते थे। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा, सुन सुत तो ही उरिण मैं नाही। राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि पुत्र, पुत्र प्यार से कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋण से कभी उरिण नहीं हो सकते। ऐसे हनुमान जी के होते हुए लोग मजारों पर जाकर दया की भीख मांगे, बड़े शर्म की बात है। काशी विश्वनाथ भगवान के होते हुए कहीं और जाकर दया की भीख मांगे, बड़े शर्म की बात है।